मैंने बेटा आपको पढ़ाया था पहले वाले लेक्चर्स में कैपिटल लेटर्स, नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था आपको स्मॉल लेटर्स, ए टू जेड स्मॉल लेटर्स, और आज रीड करेंगे फोनिक्स। आज क्या रीड करेंगे? फोनिक्स रीड करेंगे। और फोनिक्स में जैसे जो स्मॉल लेटर्स रहते ना उसको कैसे रीड करते, जैसे ए रहता है तो उसको ए को क्या रीड करेंगे, आज ये सब रीड करेंगे, उसको बोलते हैं फोनिक्स। क्या बोलते हैं उसको? फोनिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये है फोनिक्स बेटा, आज रीड करेंगे आप फोनिक्स। अब देखिए ये ए राइट किया है, स्मॉल ए राइट किया है ना, अब इस ए को क्या रीड करेंगे देखते हैं। ए से रीड करेंगे आई, ए से क्या रीड करेंगे, ए से आई। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बी राइट किया है, बी से ब, बी से क्या रीड करेंगे ब, सी से रीड करेंगे क, सी से क, डी से ड, ई से ए, ई से ए, एफ से प, एफ से क्या रीड करेंगे फ। अगर एफ लेटर आता है तो आप उसको रीड करेंगे फ। नेक्स्ट है यहाँ पर है बेटा जी राइट किया है मैंने, अब जी से रीड करेंगे क, जी से क, एच से ह। अगर एच लेटर आता है तो आप रीड करेंगे ह। आई से ई, आई से क्या रीड करेंगे ई, जैसे जा, जे लेटर्स राइट किया है मैंने, और जे से रीड करेंगे बेटा ज, के से रीड करेंगे क, के से क्या रीड करेंगे क, एल से रीड करेंगे ल, एल से रीड करेंगे ल, एम से म, एम से रीड करेंगे म। नेक्स्ट एन से न, अगर एन आता है तो आप रीड करेंगे न। यहाँ पर एक्सरसाइज में एन से न। नेक्स्ट है ओ, मैंने यहाँ पर कौन सा लेटर सेलेक्ट किया है, ओ, ओ से रीड करेंगे ओ। अगर ओ आता है तो आप रीड क्या करेंगे उसको, ओ। पी से प, यहाँ पर मैंने पी राइट किया है और पी से रीड करेंगे प। क्यू से क्व, अगर क्यू लेटर आता है तो आप रीड करेंगे बेटा उसको क्व, क्यू से क्व। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आर राइट किया है, आर से रीड करेंगे र, आर से क्या रीड करेंगे र। नेक्स्ट एस से स, और टी से ट। अब यहाँ पर मैंने राइट किया है यू, क्या राइट किया है यू, यू से अ, यू से क्या राइट करेंगे अ, मतलब उसमें मात्रा नहीं होती है। बी से व, बी से क्या राइट करेंगे व, डब्ल्यू से व, एक्स से प, एक्स से क्या राइट करेंगे पस। अगर एक्स लेटर आता है बेटा तो आप उसको रीड करेंगे पस। वाई से या, वाई से क्या रीड करेंगे या, और जेड से
is her, x is her, twice is here, और last letter यहाँ पर z, तो z से read करेंगे ज. ये क्या है बेटा? ये है horny. अब इसको one time और read करते हैं. देखिए, a says I, I की हाँ का, b says barring करेंगे, c says का, d says the, e says a, f says her, e says her, h says her, I says e, j says ja, k says her, l says la, m says ma, n says na, p says a, p says pa, q says qua, r says r. अगर r लेटर था तो आप इस करेंगे इसको r. s says sa, e says ta, q says a, p says वह. अब यहाँ पर मैंने W राइट किया तो W से भी यहाँ पर वह रीड करेंगे. V से वह और W से वह. X से first, Y से या और लास्ट लेटर यहाँ पर है Z, तो Z से रीड करेंगे ज. क्या है ये? ये है बेटा phonics. आज मैंने आपको पढ़ाया है phonics. क्या पढ़ाया मैंने आपको? मैंने आज आपको पढ़ाया है phonics. आयुष क्या रीड किया आपने आज? आज आपने बेटा क्या रीड किया है? आज आपने क्या रीड किया है बेटा? आज बेटा आपने फोनिक्स रीड किया है. आज जो मैंने फोनिक्स पढ़ाया बेटा आपको ए टू जेड, यही आपको अब रीड करना है. आप कैसे रीड करेंगे उसको? ए सेज आए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड, और जब ई आता है तो ए रीड करते ना, तो ए मतलब ए की मात्रा. उसमें फाइव वॉवेल्स है, ए, ई, आई, ओ और यू. ये क्या है? वॉवेल्स है. और बाकी सब जो है बाकी वो क्या थे? कॉन्सोनेंट. अगर आपको फोनिक्स रीड करना आ गया, लर्न हो गया, तो आप सभी छोटे छोटे वर्ड्स रीड कर सकते हैं बेटा. समझ में आ रहा है आयुष आपको? सनया तो बेटा आज का आपका लेक्चर क्या था? क्या पढ़ाया था मैंने आपको? इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है फोनिक्स और आप यही रीड करेंगे बेटा. चलिए ओके बेटा, बाय बाय बेटा.